हूँ, देखो कैसा बन गया ते। वेलकम बैक टू द सनप्री व्लॉग। और आज हम वापस जा रहे हैं शॉपिंग करने। देखो हमारे पीछे पीछे हमें फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, देखता हूँ तुम कहाँ जाते हो। आज हम आए हैं नारनौल के ट्रेन से। रेवाड़ी के ट्रेन से हम काफी बार घूमे, लेकिन नारनौल के ट्रेन से हम पहली बार आए। रिलायंस ट्रेन में आए थे और यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली है। मैंने तो मेरी ड्रेस ले ली है पूरी, अब इसको तो मिली नहीं। और पापा ने अपना एक लोअर लिया है और मम्मी और तो बस साथ में आई थी मेरी ड्रेस खरीदवाने के लिए। बाकी काफ़ी अच्छा स्टोर है ये। हम यहाँ पे बुक करवाने आए थे, लेकिन यहाँ पे इनका सिस्टम ही नहीं चल रहा, हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी काफ़ी अच्छा स्टोर है। गाइस वहाँ पे हमने ड्रेस पसंद कर ली थी, लेकिन वहाँ पे बिल नहीं हो पाया, इसलिए फिर वहीं पे रख दिए। अब देखो उनका सिस्टम चल नहीं रहा था, अब देखो कितना टाइम लगता है। एक घंटे का नाम लिया है उन्होंने, तो हम अभी जूस पीने आ गए हैं यहाँ पे। तब तक हम जूस पियेंगे और थोड़ा और यहाँ पे आसपास घूमेंगे, तब तक एक घंटा हो जाएगा। और माँ काफ़ी थक गई है घूमते घूमते। गाइस यहाँ पे हमारा जूस आ गया, हमने पपाया शेक लिया है। अब आएगा मेरा चेरी का दाग दुकान। सो गाइस हम अपनी कार के पीछे आज असेंट्री ब्लॉग लिखवा रहे हैं। नाम देव टू के लोगों वाला अभी देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे करवाएं या फिर नीचे या फिर बीच में। तभी डिसाइड हुआ है कि आप बीच में करवा देंगे। गाइस यहाँ पे भैया बना रहे हैं, अभी देख रहे हैं किस टाइप का बनाते हैं। यूट्यूब का लोगो तो यहाँ पे बन गया, अभी असनप्री व्लॉग्स का वो भैया करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने तो अपनी शॉपिंग कर दी है यहाँ पे, और अब पापा और सब्जी खरीद रहे हैं, माँ भी सब्जी खरीद रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपनी रजाई ली थी भरवाने के लिए, दी थी वो भी आ गई है। गाइस पापा चले मार्केट क्यों? देख उसको ना हाइड्रोजन रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन दांत में। अच्छा बता देना उनको। ठीक है। तो गाइस अभी ना वो विजय भैया के दांत में दिक्कत हो गई है, तो अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग। आज हमारी कार का ना टायर फट गया है, तो अभी ये देखो नया लगा है इसमें। हमें अभी अचानक से मार्केट जाना पड़ गया, ऐसे प्लान तो कुछ नहीं था, लेकिन इन भाई साहब के आज दांत में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है इनके, शायद इनके ना विजडम टीथ आ रहा है उस वजह से इनको दिक्कत है। तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पापा काफी सदमे में चले गए हैं, तब से टायर फटा है। 4000 का नुकसान है ये तो भाई, बंद है। अब क्या करें, हम यहाँ पे आए थे सिटी डेंटल हॉस्पिटल था और ये बंद है। आए थे डेंटल हॉस्पिटल में, लेकिन वो अभी बंद मिला, तो अभी हम वापस दूसरे डेंटल के पास जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे। अभी हम आ गए यहाँ पे शांति देवी डेंटल हॉस्पिटल। मैंने ना चंपी करवा ली थी, तो मेरे बाल देखो कैसे चंपू चंपू से हो रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई तेरे को, क्यों आ रहा है बार बार डेंटल? दांत में दर्द है। दांत में या फिर जाड़ में? जाड़ में। जाड़ में दर्द है इसकी, इसके विजडम ते आ रहा है। हम हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी अंदर वेटिंग में चल रहे हैं। अभी अंदर जाएंगे तब तो पता चलेगा क्या सिस्टम है। वो देखो कितनी सारी दवाइयाँ दे दी हैं, क्या करेगा इतनी दवाई का? दर्द अभी भी हो रहा है क्या? दर्द अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है, तो फिर दवाई ले लेता अभी। आज हमारी कार का टायर वो फट गया था ना, वो पत्थर से लग के, तो इसलिए अभी नए टायर के लिए पूछने गए हैं। पापा और भाई गए हैं दोनों, तो एक टायर होता था वो स्टेपनी, तो वो तो होनी ही चाहिए ना एक एक्स्ट्रा में, और कल जाना भी हमें,
तो अभी पूछने गए हैं वो लोग, देखते हैं क्या रहता है, नया टायर खरीदते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, जो भी होगा। तो गाइस अभी यहाँ पे एक नया टायर खरीद लिया है क्योंकि आगे वाले इसमें तो नया टायर लग ही गया था, तो अब सोच रहे हो दूसरी साइड भी नया टायर ही लगवा देते हैं। तो ये हमारा जो पुराना टायर था जो फट गया था वो वही है, यहाँ से फट गया था पत्थर में लग के, और देखो पूरा फट गया। तो अभी नया टायर ले लिया, हमारा ये और एक बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, कुछ काम भी आता नहीं है। जो म्यूजिक सिस्टम है कुछ काम नहीं आता, इतना यूज भी नहीं करते, बस राहुल भैया तब चलाते हैं ना तो वो यूज करते हैं, उसने ही लगवाया था ये, फालतू का ना स्पेस ले रखा है इसने। साथ ही हमारी कार पे नया टायर लग चुका है, दोनों साइड नए टायर लगा दिए हैं, इधर भी और इस साइड। ये लोग भी आ गए हैं अपने बिल बिल करके, कितने का लिया है नया टायर? 3450 रुपया का नुकसान, टायर नहीं लिया नुकसान। जब हम वापस घर आ गए हैं और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, और ये देखो क्या लिख गया है आज, ये देखो क्या लिख गया है पीने। हेलो गाइस, क्या ले आया आज, इतना क्यों खुश हो रहा है? खुश नहीं हो रहा मैं, तो खर्चा हो गया। क्या खर्चा हो गया? ये लेके आया मैं पीनट बटर। कहाँ से लेके आई है? कहाँ से लेके आया हूँ? कैंटीन से लाया है या फिर वैसे स्टोर से? अच्छा, माय प्रोटीन का ना है, किसका है ये? माय फिटनेस। माय फिटनेस का है ये? माय फिटनेस। चॉकलेट फ्लेवर में लेके आए, अरे देखो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये। सिर्फ मैं बताऊंगा टेस्ट करके। क्यों? पिछली बार गाइस मैं इतना छोटा सा डब्बा लेके आई थी, इसने पूरा इसने ख़त्म किया था, मैंने तो एक दो बार खाया होगा, और इस बार ये मैं खाऊंगी सारा। अभी हमने डिनर कर लिया और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए एडिटिंग करेंगे यहाँ पे, और आज डिनर में हमने वापस से पुलाव खाया था, काफ़ी टेस्टी बना था। और बाबा कैसा लगा आज का पुलाव आपको? काफ़ी बढ़िया था। बढ़िया था ना? अच्छा। तो आप हमारे YouTube फैमिली को क्या कहना चाहोगे? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।